इस बीच देखिए बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को एक जबरदस्त झटका लगा है। चीफ व्हिप मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दिया है। वोटिंग से ठीक पहले चीफ व्हिप का पद छोड़ना क्या कहता है, क्रॉस वोटिंग की आशंका गहरा रही है। अब खबर तो यह भी है कि 12 बजे मनोज पांडे सीएम योगी से मुलाकात भी करने वाले हैं, तो दिलचस्प होती जा रही है ये लड़ाई राज्यसभा की जो है, क्योंकि 10 सीटें जिसको लेकर मतदान चल रहा है, शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, पहले इस्तीफा और अब योगी से मुलाकात। बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल साफ हो चुका है कि मनोज पांडे बीजेपी यानी एनडीए को वोट करने जा रहे हैं। वो सदन पहुंच चुके हैं, कुछ देर में आपको वो वोट करते जाते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ हो सकता है कि बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं या संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी उनके साथ जाते हुए दिखाई दें। थोड़ी देर बाद 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सुबह से उनके घर पर गहमागहमी बनी हुई थी। दयाशंकर सिंह उनके घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उसके बाद वहीं से वो इस्तीफा उन्होंने मुख्य सचेतक का भेजा है अपने नेता को। और अब ये लगभग तय हो गया है कि बड़े स्तर पर एक क्रॉस वोटिंग इस वक्त चल रही है। जब वोटिंग का दौर चल रहा है इस वक्त राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर के, तो तीन जो राकेश सिंह है, अभय सिंह और साथ साथ राकेश पांडे, ये एक साथ गए थे और बहुत मुमकिन है कि इन्होंने क्रॉस वोट किया है, क्योंकि उसमें से एक राकेश प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि वो एनडीए को वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ मनोज पांडे का भी इस्तीफा आ गया, उनके तरफ से भी ये माना जा रहा है कि वो अब वोट करने जा रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट्स को। तो कुल मिलाकर अभी तक जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको दयाशंकर सिंह से हमने खास बातचीत की, सुनवाते हैं। शंकर जी सिंह मौजूद है। जयशंकर जी, आज आप पवन पांडे क्या मौजूद थे, क्या बातचीत हुई है? देखिए, जो सनातन धर्म के पक्ष में सदैव बात रखते रहे हैं और आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिए हैं, तो उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। आप वोट अब देंगे बीजेपी को? वो अब जो सामने ही आएगा, तो अब समय कितने देर है, अब तो 2 मिनट का है। और किन किन विधायकों के साथ आप मुलाकात की आपने, क्योंकि आप बड़ा अहम रोल है आपका? नहीं देखिए, आज की तारीख में माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर के उनकी नीतियां, देश के जो विकास हो रहा है, प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। तो साफ तौर से दयाशंकर सिंह इस समय मनोज पांडे के घर से निकलते हुए, और बड़ा स्टेप है ये कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की बात कही है। एक्सक्लूसिव हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह मनोज पांडे के घर से उनको राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होनी है उसके लिए भेजते हुए नजर आए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। कुमार अभिषेक, ये मुलाकातों का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन काफी करीबी माने जाते हैं ये अखिलेश यादव के। ऐसे में अखिलेश यादव के करीबी अगर उनसे जुदा हो रहे हैं, तो ये क्या संदेश देता है? क्या वो रोक नहीं पाए? ये तो फिर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के भीतर के जो इनर डायनेमिक्स है उसको ये दिखा रहा है। देखिए, बड़ा अहम है, अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे हैं मनोज पांडे, और यहाँ तक माना जाता रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे को जब चुनना हुआ तो अखिलेश यादव ने हमेशा मनोज पांडे का साथ दिया है। लेकिन आप देखिए, कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से अलग हो गए और अब मनोज पांडे अलग हो गए हैं, तो माया मिली न राम जैसी स्थिति है।